Guys, welcome back to my channel and here I am back with a new vlog. So guys, आज का vlog होने वाला है बहुत ही तगड़ा, बहुत ही टॉप. इसको देख के आपको आ जाएगा एकदम बेहतरीन मजा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के दरबार. आपको पता ही है जम्मू में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें, तो वो इस व्लॉग के जरिए मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ बहुत ही एक ब्यूटीफुल वे में. तो गाइस, ये व्लॉग में आप बने रहिए मेरे साथ और ये व्लॉग पूरा देखिएगा और इसको शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा. आप लोग कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा कि मैं और अपने व्लॉग्स कैसे बेटर कर सकता हूँ, कैसे सुधार सकता हूँ अपने व्लॉगिंग. हम तो थक जाएंगे यार, 7-8 घंटे लगेंगे क्योंकि वहां पे जाने में हमें. प्लीज इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए, हम तो भले ही थक जाएंगे, आपके सामने तो ये चुटकी बजाई और आपके सामने क्लिप हाजिर है वहाँ की. सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. चलो भाई, पैकिंग डन हो गई ऑलमोस्ट. ले कुमारी किट उठा, ये उठा ला मेरा. तो अरे नहीं, मैं इतना सारा सामान कैसे लूंगा? अरे आप इतना कम सामान भी लो. अभिषेक मामा प्लीज आप मेरा बैग भी रखो. सो गाइस, इट्स टाइम टू गो. हम निकलने वाले हैं अब हमारी जर्नी के लिए. सो पूरे 8 बज चुके हैं, तो मिलते हैं गाइस. ये हमारे आदरणीय जीजा जी और ये दीदी और ये कुमारी किट्टू पति. मेरा नाम शीतल है. तो अपना नाम बता भाई. हेलो गाइस, मेरा नाम है भव्य प्रताप सिंह तोमर. और ये मेरे मामा है. प्लीज इनके चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी. गाइस आप इनकी खबर लीजिए. देखिए गाइस, अगर ये सो गए ना तो मैं इन्हें जबरदस्ती भी जगाऊंगा. हेलो, आज से नहीं, हम मुझे लगभग शादी से पहले से 15-16 साल हो चुके हैं. ज्यादा 15-16 साल तो शादी को हो गए. सॉरी, 16 साल शादी को गए हैं और उससे पहले भी मैं करीब 10 साल से रेगुलर माता रानी के दर्शन के लिए जाता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक बार जीवन में जाओ. और आपकी जो भी विश होती है वो हमेशा पूरी होती है जाके. अगर आपकी विश अच्छी. गाइस, वी आर इन लुधियाना राइट नाउ. अभी बजे हैं 12:30. अभी हम थक चुके हैं तो इसलिए हम रुके हैं पे ढाबे पे. क्या है इसका भी नाम, वैष्णो से ही स्टार्ट है. तो चाय वाय पी के निकलते हैं और सीधा मिलते हैं जम्मू पहुंच. मिलेंगे सीधा वहीं वैष्णो देवी की माता के दरबार. बाय. हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. वी रीच्ड वैष्णो देवी और अभी हम आ चुके हैं अपने होटल. थक के हो चुके हैं. चूरम मतलब बेकार हो गए बिल्कुल. बहुत थक चुके हैं. 12 घंटे हो गए चलते. 12 घंटे इसलिए लगे क्योंकि वहाँ लखनपुर सा कुछ ऐसी जगह थी, वहाँ पे कोविड के टेस्ट हो रहे थे हमारे. वी ऑल आर नेगेटिव. अब मैं चलता हूँ बाहर और आपको दिखाता हूँ जहाँ पे हम स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए. उसके बाद हमारे हेलीकॉप्टर के टिकट हो रखे हैं 10:30. मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की चीजें कुछ. तो गाइस हम रुक रहे हैं इस होटल में, तो मैं आपको लेके चलता हूँ. ये है माता वैष्णो देवी का पहाड़. वाओ, सिस्टम में पर मैंने निकाल ली अपनी जैकेट क्योंकि यहाँ हो रही बहुत ठंड और बहुत ही गंदी ठंड. माय गॉड, ये देखो क्या बिजार खड़ा जीप रैंगलर. सिस्टम की दुनिया है. मैं आपको होटल दिखाता हूँ. हम पहुंच गए डेस्टिनेशन. हमारे वाला कौन सा रूम? तुम्हारा ही है. ग्रेट, ये है बाथरूम. And oh my god, पंखा बंद कर दो भाई साहब, पंखा बंद कर दो. बड़ा रूम इन्होंने ले लिया क्योंकि इसका बाथरूम बड़ा था. जो हमारे वाला रूम है वो है ये, मतलब ये भी बढ़िया है बट डिफरेंस ये है बस इसका बाथरूम थोड़ा छोटा है. इसका व्यू बहुत अच्छा है लेकिन ये देखो यहाँ अभी 8 बज चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस होटल के रिव्यूज बेस्ट हैं. 2 साल पहले भी हम यहीं पे रुके थे. आप पिछले साल भी रुके थे? आप तो गए थे 2 साल पहले. पिछले साल मैं तो नहीं आया था. हाँ.
सारी चीजें को आप, मैं आपको बाहर निकल के दिखाऊंगा। अभी फ्रेश फ्रेश होके मैं आपसे मिलता हूँ, सीधा मिलते हैं हम सीधा हेलीपैड। ओके बाय। सो गाइस वी आर रेडी एंड अब हम निकलने वाले हैं हेलीपैड के लिए। बस अब हमें नाश्ता करना है और ये रे सब तैयार बैठे हैं बिल्कुल बुक के। सो गाइस बने रहिए मेरे व्लॉग में और लाइक कीजिए इसको, एंजॉय करिए मेरे साथ। तो गाइस यहाँ के बारे में इम्पोर्टेंट चीज क्या है वैष्णो देवी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा था कि माता जी 9 महीने तक गर्भ जून की गुफा में मतलब छिप गई थी भैरवनाथ की वजह से। तो भैरवनाथ जी फिर 9 महीने तक उन्हें ढूंढते रहे थे। उसके बाद जब फिर वो असली रूप धारण करके 9 महीने बाद बाहर निकली थी तो उन्होंने फिर उनका सर काट दिया था, भैरवनाथ जी का उनका सर काट दिया। तो उनका सर ऊपर 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा था। फिर माता जी ने ये कहा था जब भी कोई मेरे दर्शन के लिए आए उसके संपूर्ण दर्शन तभी मानने जाएंगे जब वो भैरवनाथ जी के भी दर्शन करके जाएगा, मतलब उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करने ही करने पड़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं हेलीपैड, यहाँ से हम उड़ने की तैयारी में। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको हेलीकॉप्टर से व्यू दिखा दूंगा, हालांकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, मतलब अलाउड नहीं है। देखते रहिए व्लॉग और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच। से गाड़ी आएगी और सीधा गाड़ी हमें लेके जाएगी जहाँ से हेलीकॉप्टर हमें उठाते हैं, लेके जाते हैं उठाते हैं कह रहा है यार। तो यहाँ पे टिकट वगैरह चेक होते हैं और आईडी वगैरह चेक होती है और ऐसे लेके उठाते हैं जहाज। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं हेलीपैड पे। ये है मिस्टर एचआर खजूरिया, जिसे मैंने स्पेशली परमिशन ली है वीडियो बनाने की। अपने ब्लॉगिंग में मैं क्लिप डालने वाला हूं, उनको मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक यू सर। और अभी हम जाने वाले हैं, सभी भाइयों को थैंक्स। उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कि आप वीडियो बना लीजिएगा, तो मैंने वो बना दी। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा उन अंकल को जिन्होंने मुझे परमिशन दी, खजूरिया साहब ने। आप भी विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा रिलीजियस प्लेस है। हम पहुंच चुके हैं मंदिर में। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि यहाँ पे वहाँ पे तो परमिशन मिल गई थी, यहाँ पे कोई परमिशन नहीं मिलती। यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट, बिल्कुल भी फोटो वोटो नहीं खींच सकते, बिल्कुल भी फोन वोन अंदर नहीं ले जा सकते। फोन वोन तो दूर की बात है, मतलब कि बेल्ट पर्स वॉलेट वगैरह और कुछ भी चमड़े पमड़े की चीज घड़ी वड़ी कुछ नहीं ले जा सकते, खाली जाना पड़ता है बिल्कुल दर्शन करने के लिए। तो उस चीज के लिए सॉरी, आपको मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। सब तक मिलते हैं। हमारे दर्शन संपूर्ण और अब हम निकलेंगे भैरवनाथ के मंदिर के लिए जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। ठीक है तो मिलते हैं वहीं पे, मे बी हम रोप लाइन के थ्रू जाएं, उसका व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलो पर्ची कटा लेते हैं अब। ये यहाँ पे पर्ची कट जाती है अगर किसी को दान पात्र में पैसे वैसे डालने हो तो, और वहां से जाते हैं दर्शन के लिए।
मजा आ गया, बेहतरीन, एक नंबर, बहुत ही तगड़ा। ये जो केबल कार, बढ़िया मजा आ गया, एक मिनट में पहुंचा दिया। और ये आ चुके हैं, वाह वाह भाई वाह। और ये रे दो एक लंगूर, जय बजरंग बल है, तोड़ दे दुश्मन के नले। यहाँ पे हो जाते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन, तो मैं फटाफट दर्शन करने के बाद आपको मिलता हूँ। तो भैरवनाथ जी के भी दर्शन संपूर्ण, इतने साल हो गए हमें भी आते हुए, पर इतना मजा आज तक नहीं आया भाई, जितने बढ़िया दर्शन इस बार हुए, बिल्कुल छीड़, बिल्कुल कोई भीड़ नहीं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आपको यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे जरूर आए और घूमें और दर्शन करें माता के। अब यहाँ से पैदल हम निकल रहे हैं अपने होटल की ओर, बीच में मैं आपको एंटरटेन करता चलूंगा, ठीक है? ठीक है। क्या है भैया, मुझे भेड़ लग रही, मेंढा मुंडा जो भी है, जीव। मैं बताऊंगी कि सूख रही है। बताओ यार कैसा कर दिया सड़ी हुई बीमारी ने, कोरोना ने यार, वरना बिल्कुल खाली खाली है, कोई नहीं है हमारे अलावा। रास्ते पैदल पैदल हम ही जा रहे हैं, बस पांच जने, नहीं तो 24 घंटे में वैष्णो देवी के जो दर्शन करने आते थे वो 1,80,000 लगभग करने आते थे कोरोना से पहले। 24 घंटे में इतने यात्री, हमारे रजनीश भाई साहब गुम हो गए थे, तो अब हमें वो मिल चुके हैं, वो आ रहे, मिली गई आखिरकार आप हैं। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो अब हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी के मंदिर, इसका मतलब है अगर जब आप यहाँ पे पहुंच जाते हैं ना, पैदल आते हैं जब, तो इसका मतलब होता है कि आप आधा रास्ता तय कर चुके हैं। हाय मैम, कैसे हो आप? ये तो सच में रुक गई। बोलती कैसे नसीली सी लग रही है, कैसे नसीली सी लग रही है। वाओ, किसी बंदे के साथ ऐसा करके ले। तो हम आ चुके हैं अब नीचे, पैदल यात्रा हो चुकी है हमारी खत्म और अब हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ये है मेन गेट जहाँ से यात्रा, पैदल यात्रा स्टार्ट होती है। सो गाइस, मिलता हूँ मैं आपसे होटल पहुँच के। ये है कटरा का बाजार। क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम सुबह 4 बजे निकल जाएंगे सुबह के, तो हमने डिसाइड किया है कि अभी हम अखरोट वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि अभी जब तक दांत हैं तो अखरोट खा लेने चाहिए। तो गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं अपने होटल एंड सब अपने अपने रूम में जा चुके हैं और मैं भी अब खाना वाना खा के लेटने की तैयारी में, क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट हो चुका हूं। एंड अब क्योंकि रात के 9:15 बज चुके हैं और हमें सुबह निकलना भी है, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल हम जाएंगे यहाँ से सीधा, एक जगह पड़ती है रास्ते में हवेली, वो बहुत ही बेहतरीन जगह है, वो भी मैं आपको कल को दिखाने वाला हूँ। तो ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, इसलिए ये व्लॉग मैं 2 पार्ट में डालू, ये व्लॉग कल मिलते हैं, और तब तक गुड नाइट एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज मच एज यू कैन। मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए बाय।